हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंसर। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग को बीच हम लोग एक वीडियो लेकर आ रहे हैं नंबर सिस्टम का, सागीर अहमद का बुक से कर रहे हैं, ठीक है। तो इस नंबर सिस्टम में हम लोग 128 क्वेश्चन तक कर चुके थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो प्लीज अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मिलने वाला वीडियो आपको मिलते रहे, ठीक है। चलते हैं 129 क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहां से 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कक्षा के छात्रों को 1080 पेंसिल इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को बराबर बराबर पेंसिल मिली, ठीक है। यदि बच्चों की संख्या 12 कम होती तो बच्चे प्रत्येक बच्चे को 3 पेंसिल अधिक, मतलब बच्चा की संख्या 12 कम हो जाता तो प्रत्येक को 3 पेंसिल अधिक मिले, तो प्रत्येक बच्चे को कितने पेंसिल मिलेगी। तो यहाँ से प्रत्येक बच्चे को कितना पेंसिल मिली, तो यहाँ से लिख देंगे पहले कि प्रत्येक बच्चे को एक्स, प्रत्येक बच्चे को मिली पेंसिल इज इक्वल टू कितना, एक्स पेंसिल मिला प्रत्येक बच्चे को। तो ये बताइए कि प्रत्येक बच्चों को एक्स पेंसिल मिला तो बच्चों की पहले क्या निकाल देंगे, संख्या निकालेंगे। तो बच्चों को संख्या कैसे निकालेंगे भाई, तो टोटल कितना है 1080 रुपया है। अब बटा एक्स बच्चा को एक्स पेंसिल करें कि एक बच्चे को कितना पेंसिल, एक बच्चे प्रत्येक बच्चे को कितना पेंसिल मिली, एक्स पेंसिल। तो इसमें एक्स से गुना भागा कर देंगे तो बच्चों को संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ से एक्स में भागा कर दिए तो कितना बच्चों की संख्या, तो इसको ऐसी तरह छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब बताइए कि बच्चों की संख्या कितना है, 1080 बटा कितना एक्स। अरे भाई, टोटल पेंसिल निकालना है तो इतना बच्चे हैं और एक बच्चे को कितना पेंसिल, एक्स पेंसिल है, इसको दोनों को गुना कर दे टोटल पेंसिल आ जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन कर रहा था कि यदि बच्चों की संख्या में 12 कम होती तो बच्चों की संख्या इतना था, इसमें 12 कम हो जाता। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है, जिसे 12 कम हो जाता था प्रत्येक बच्चों को 3 पेंसिल अधिक मिल जाता, तो पेंसिल पहले एक्स मिलता था, आज कितना पेंसिल मिल जाएगा, 3 पेंसिल अधिक मिल जाएगा। इसी को गुना करते हैं ना टोटल पेंसिल आता है, यहां से टोटल पेंसिल आपको दिया हुआ है। तो यहां से थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे तो एक्स में इतना से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स गुना कितना 1080 बटा कितना एक्स, फिर एक्स में कितना से तो 12x हो जाएगा, फिर कितना प्लस, यहां से प्लस कितना हो जाएगा, यहां से 1080 गुना कितना 3 ना, तो 1080 में 3 से गुना कीजिए तो यहां से कर दीजिए 0 हो जाएगा, 8 × 3 = 24 की 4 हासिल कितना 2, तो यहां से 2 और 3 कितना 32, 40 बटा कितना एक्स, और यहां से कितना हो जाएगा माइनस 12 × 36 = 180, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहाँ से करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना बचा 1080 माइनस, यहाँ से कितना बचा भाई, तो 12x बटा कर दीजिए 1 प्लस 3200 कितना 3240 बटा कितना एक्स, और माइनस कितना 36, जब माइनस छत्तीस अभी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, -36 = कितना 1080। देखिए ना, ये जो है ना 1080 अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या कट जाएगा, एक माइनस एक प्लस कट जाएगा। तो अब चलिए यहाँ से -12x बटा 1 प्लस कितना 3240 बटा कितना एक्स इक्वल टू, ये प्लस जाएगा उधर जाएगा तो क्या करेगा, प्लस कर देगा ना, इसका एलसीएम निकालिए तो कितना एक्स, तो 12x² हो जाएगा -12x² और कितना 3240, ठीक है। अब 3240 कर दीजिएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 36, और ये x जाएगा उधर क्या करेगा गुना कर देगा, तो यहाँ से चलिए -12x² प्लस 3240 इक्वल टू कितना 36x, यही ना। अब चलिए इसको उधर लेकर जाते हैं, तो यहाँ से चलेंगे 12x² इधर लेके जाएंगे तो वो प्लस में जाएगा 36, यहाँ से 36x, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 3240 इक्वल टू कितना 0,
ठीक है। अब देखिए यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं पहले, तो 12 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे 3x बचा, और बताइए कि कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो 12 से 12 दूनी का 12 दूनी का 24 है कितना 270 हो जाएगा। ये बताइए कि 12 जब इधर गुना कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, 0/12 तो कितना होता है, 0 होता है। तो आइए यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ से इसको काट दिया जाए कि 0 हो जाएगा, तो यहाँ से चलते हैं एक्स स्क्वायर हम प्लस कितना 3x हम माइनस कितना 270। तो यहाँ से करेंगे थोड़ा गुना करते हैं, यहाँ से 23 में और 20 से 23 दूनी के 46, यहाँ से 19 27 को करते हैं तो यहाँ से 3 9 और फिर 3 9 3, यहाँ से 3 का 9, यहाँ पे 0 है ना तो 0 भी बैठा देते हैं, तो यहाँ से 3 से कितना हो गया 10 हो गया, 2 से कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 दूनी 10 3, यहाँ से 3 का 9 और 9 दूनी 18 18, यहाँ से 18 और 15, देखिए कैसे फैक्टर टू रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 18 एक्स और माइनस कितना 15, यही ना टूट रहा है, तो यहाँ से कितना क्या लेगा 270 इक्वल टू एक्स। यहाँ से करेंगे तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस कितना 18 और माइनस कितना 15 कॉमन ले लिए तो एक्स अब माइनस माइनस प्लस कितना 18 इक्वल टू कितना, यही ना, तो एक्स माइनस 15 इक्वल टू एक बार 0 और एक्स प्लस 18 इक्वल टू कितना 0, एक्स बराबर कितना माइनस 18 और एक बार एक्स बराबर कितना प्लस 18। तो अब बताइए कि एक्स के वैल्यू क्या माने थे कि बच्चों को प्रत्येक बच्चों को कितना पेंसिल मिला, तो 15 पेंसिल हो जाएगा ना, ये तो 18 माइनस में होगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 15 पेंसिल, बच्चों की संख्या कितना 15 पेंसिल, ठीक है, इसको देख लिया जाए, देखिए तो आंसर है 15 पेंसिल है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर की एक व्यक्ति ने 380 रुपए में कुछ संख्या में समान वस्तुएं खरीदे, यदि प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपया अधिक दिया होता, प्रत्येक वस्तु के लिए 1 रुपया अधिक दिया होता तो एक वस्तु कम खरीद पाता, तो वस्तुओं की वास्तविक कीमत प्रति वस्तु क्या है, माने कि एक वस्तु का कीमत क्या है। तो यहाँ से 130 नंबर चलेंगे, एक वस्तु का मूल्य, यही ना, मूल्य बराबर कितना 100 रुपया, एक वस्तु का मूल्य 100 रुपया और 300 कितना है 380 रुपया, तो यहाँ से एक वस्तु का मूल्य इतना रुपया, तो वस्तुओं की संख्या निकालेंगे इक्वल टू कितना 380 और बटा कितना एक्स, वस्तुओं की संख्या क्या। अब क्वेश्चन कह रहा था कि एक वस्तु यहाँ पे कह रहा है कि यदि प्रत्येक वस्तुओं के लिए 1 रुपया अधिक दिया जाता तो 1 रुपया अधिक दिया जाता, तो यहाँ से 1 रुपया पहले वस्तु की मूल्य कितना था, एक वस्तु का इतना 1 रुपया अधिक दिया जाता, जब 1 रुपया अधिक देते तो वस्तुओं के खरीद में क्या हो जाती है, एक वस्तु की खरीदारी कम हो जाती है, तो पहले कितना था वस्तु था 380 बटा एक वस्तु माइनस एक वस्तु कम खरीदते हैं, इसी को गुना करते हैं वस्तुओं की संख्या अब मान गुना एक वस्तु का कीमत, तो टोटल होता है, तो टोटल कितना 380 रुपये दिया है। तो यहाँ से चलिए फिर उसी प्रकार से चलेंगे 380 बटा एक्स गुना एक्स, फिर कितना, फिर एक्स से तो माइनस एक्स, फिर एक्स से गुना करेंगे तो कितना प्लस 380 बटा एक्स, और फिर यहाँ से माइनस 1 इक्वल टू 380। अब चलिए आगे, एक्स एक्स तो कट गया, कितना बचा 380 और माइनस कितना एक्स के पाव एक्स बटा 1 लिख सकते हैं, बटा कितना 380 और बटा कितना एक्स और माइनस 1 इक्वल टू 380। देखिए ना, ये उधर जाएगा तो क्या करेगा, प्लस माइनस कट जाएगा, अब बचा क्या माइनस एक्स, तो माइनस एक्स ये वाला जाएगा टर्म माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या कर देगा प्लस, तो ये यही ना केवल बचा, तो इसका पहले एलसीएम निकाल दीजिए एक्स, और यहाँ से कितना माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 380 इक्वल टू एक हो जाएगा ना। अब चलिए एक्स इक्वल टू उधर भेजेंगे तो ये भागा में उधर जाएगा क्या करेगा गुना करेगा, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300
और सी इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स को इधर लाए चाहे इसको उधर ले जाए, इसी को उधर ले जाते हैं पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स माइनस कितना 370, ठीक है 370 ना। यहाँ से चलेंगे आगे जीरो, यहाँ से इज इक्वल टू जीरो। अब चलिए यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से फैक्टर तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 19, यहाँ से 19 और 18 यहाँ से थोड़ा सा गुना करते हैं 19 और 18 में 19 26 से कि 6 18 से 26 18 चौबीस से 18 62 से नहीं जाएगा। तो अब इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे यहाँ से देखिए तोड़ते हैं इसको 20x और माइनस कितना 19x इक्वल टू कितना 19x माइनस कितना 370 इक्वल टू जीरो। यहाँ से करते हैं x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचा x और प्लस कितना 20 और यहाँ से क्या करते हैं माइनस 19 कॉमन ले लेते हैं तो x और प्लस कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो x और माइनस कितना 19 एक बार x और प्लस 20 इक्वल टू जीरो, एक बार x माइनस कितना 19 इक्वल टू जीरो, एक बार x प्लस 20 इक्वल टू जीरो। x बराबर कितना माइनस 20 और x बराबर कितना प्लस 19 है ना प्लस 19। तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा नेगेटिव, नेगेटिव तो कभी होता नहीं है। आपका आंसर कौन सा x बराबर क्या मिल रहा है, एक वस्तु का कीमत कितना रुपया 19 रुपया एक वस्तु का कीमत। यहाँ से देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, प्रत्येक वस्तु का कीमत क्या है 19 रुपया ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा ये सर लॉन्ग है, शॉर्ट बनाना है तो शॉर्ट भी बना सकते हैं। यहाँ से बाई ऑप्शन से मान लीजिए 19 उठाते हैं तो यहाँ से वस्तुओं की संख्या निकालने के लिए इतना बटा इतना कर देते हैं और माइनस एक करते हैं और फिर 19 में एक्स के वैल्यू 19 में एक जोड़ते हैं तो 20 और 20 में 19 से गुना करते तो इतना आना चाहिए। तो ये शॉर्ट है 131 नंबर क्वेश्चन। देखिए 131 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि शिक्षक दिवस के दिन एक स्कूल में 190 बच्चे के बीच समान मात्रा में मिठाई बांटी जानी थी। शिक्षक दिवस के दिन वास्तव में 70 बच्चे अनुपस्थित थे, मतलब 70 बच्चे उस दिन नहीं आए, तो कह रहे कि अतः प्रत्येक बच्चे को 14 मिठाइयां अतिरिक्त मिली। तो उस दिन प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाई मिली, मतलब कि शिक्षक दिवस के दिन प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाई मिली। तो यहाँ से मान लेते हैं कि शिक्षक दिवस के प्रत्येक को मिली क्या चीज, मिठाई, प्रत्येक को मिली मिठाई x, प्रत्येक को मिली मिठाई x। तो यहाँ से बच्चों की संख्या नहीं निकलेगा, बच्चों की संख्या प्रत्येक को मिली मिठाई x इक्वल टू बच्चों की संख्या, यहां से निकल जाएगा कि टोटल यहां से मिठाइयों की संख्या निकल जाएगा कितना 190 को बच्चा था, इसमें एक बच्चा को x मिठाई इक्वल टू कितना टोटल मिठाई कितना 190x, टोटल मिठाई कितना 190x। तो अब बताइए कि टोटल मिठाई इधर 190x हो जाएगा तो इधर मिठाइयों की संख्या कैसे आएगा, x अगुना एक बच्चे को मिली गई मिठाई x अगुना कितना टोटल कितना बच्चे हैं 190 बच्चे हैं ना, इसमें 70 बच्चे नहीं आए तो अभी बच्चे की संख्या कितना घटा देंगे। अब चलिए बच्चे की संख्या हो गया, एक बच्चे को कितना मिठाई मिल जाए, एक्स पहले मिलता था लेकिन बच्चे की संख्या 70 कम हो गया तो कितना मिठाई मिल रही है एक्स्ट्रा, तो 14 मिठाई एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो एक बच्चे को मिली मिठाई अगुना बच्चों की संख्या इक्वल टू टोटल, यहाँ से 190 होगा। अब चलिए यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 इंटू कितना एक्स प्लस 14 इक्वल टू कितना 190x, यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120x और प्लस 14 में गुना करेंगे बच्चों 48 की 8 हासिल 4 और 12 आचार कितना 16, कितना हो जाएगा बच्चों 48 की 8 और 12 आचार कितना 16 इक्वल टू कितना 190x। यहाँ से उधर जाएगा 120 तो क्या हो जाएगा, जब 120 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा
यहाँ से कितना बचेगा, जीरो और नौ मिले दो गया कितना सात, मतलब सत्तर एक्स बचेगा इतना 1680। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो और सात से काटेंगे तो सात दूनी का चौदह और दू और सब चौक अट्ठाईस इक्वल टू कितना एक्स का माने थे, एक बच्चे को कितना मिठाई मिल रही है तो एक्स का माने एक्स का निकला गया तो एक बच्चे को कितना मिठाई मिल रही है, चौबीस मिठाई। कब मिलेगा, जब टीचर दिन मना रहा है ना, टीचर दिवस जब मनाया जा रहा है उस दिन कितना मिठाई मिलेगा एक बच्चे को, तो चौबीस मिठाई मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 133 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि स्कूल के एक हॉल में 460 बच्चे कतार और स्तंभ में इस प्रकार बैठे थे कि प्रत्येक स्तंभ में बैठे हुए छात्रों की संख्या प्रत्येक कतार में बैठे हुए छात्रों की संख्या से क्या है, तीन अधिक है। प्रत्येक स्तंभ में बैठे हुए संख्या बच्चों की संख्या प्रत्येक कतार में बैठे हुए संख्या से क्या है, तीन अधिक है। तो प्रत्येक कतार में पहले मान लीजिए कि यहां से प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या मान लीजिए कि एक्स, तो स्तंभ में प्रत्येक स्तंभ में कितना है, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा एक्स प्लस, अरे कतार से तीन अधिक है तो एक्स प्लस थ्री। अब क्वेश्चन कह रहा था कि प्रत्येक बैठे हुए छात्रों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से क्या है, तीन अधिक है। तो प्रत्येक स्तंभ में कितना बच्चे है, प्रत्येक स्तंभ में ये निकालना है कि कितना बच्चे है, तो जो एक्स आएगा तो एक्स का वैल्यू डालेंगे तीन जोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना प्रत्येक बच्चों की संख्या कितना एक्स बच्चों की संख्या गुना प्रत्येक बच्चों की संख्या किसमें कतार में स्तंभ में से बच्चों की संख्या से गुना कर देंगे, यहाँ से गुना कर देंगे तो टोटल बच्चा नहीं निकल जाएगा, तो टोटल बच्चों की संख्या कितना 460। एक्स बराबर कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ से गुना करेंगे तो कितना 3x इक्वल टू 460 और यहाँ से चलेंगे तो एक्स स्क्वायर ये 460 इधर आएगा तो क्या करेगा माइनस कर देगा ना, तो प्लस 3x और यहाँ से 460 आएगा तो माइनस कर देगा, तो माइनस कितना 460 इक्वल टू क्या चीज जीरो। अब चलिए यहाँ से 460 को हम किस तरीके से तोड़ेंगे, 460 को हम थोड़ा तोड़ते हैं यहाँ पे, तो 460 को थोड़ा डिवाइड करते हैं तो 2 से कितना 23 और यहाँ से 10 से करते हैं तो कितना 23, 3 आना चाहिए ना, तो 10 दूनी का 20 और देखिएगा 23 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाए 3 ना, तो यहाँ से टूट देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 23x और माइनस कितना 20x और माइनस 460 इक्वल टू क्या चीज जीरो। ठीक है, अब यहाँ से चलिए एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 23 और यहाँ से माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस कितना 23 इक्वल टू कितने जीरो। अब चलिए एक्स माइनस एक बार कितना x माइनस कितना 20 और एक बार x प्लस कितना 23 इक्वल टू जीरो, एक बार x इक्वल टू कितना 20 हो जाएगा और एक बार x माइनस कितना 23, तो आपका आंसर कौन सा होने वाला है, ये तो होगा ना नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला होगा तो पॉजिटिव कितना है 20, तो ये कतार में प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या 20 आएगा लेकिन स्तंभ में बच्चों की संख्या कितना आएगा, तो यहाँ से निकाल दीजिए कि 20 प्लस कितना 23 इक्वल टू कितना 20 3 आपके कतार में बच्चों की संख्या 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 134 नंबर क्वेश्चन। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बनाने में हमको बहुत ज्यादा मेहनत पड़ रहा है, गर्मी देख रहे हैं कितना, फैन उन सब चीज ऑफ कर बना रहे हैं वीडियो, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग को पास वीडियो को क्या कीजिएगा शेयर करना है ताकि सब लोग पढ़ सके। देखिए 134 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था कि एक कक्षा के बच्चों की बच्चों में समान संख्या में मुफ्त नोट बांटे गए बुक बांटी गई थी, प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या प्रत्येक बच्चे को कुल संख्या का कितना है, प्रत्येक बच्चे को कुल संख्या का कितना है आठवां भाग है, यदि बच्चों की संख्या आधी हो तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोट मिलते हैं।
तो क्वेश्चन कह रहा था कुल नोटों की संख्या माने कितना नोट बांटी है। यहाँ से पहले निकाल देंगे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या बराबर कितना है, मान लीजिए कि x है। तो यहाँ से प्रत्येक बच्चे को मिली नोट, मिली बुक, प्रत्येक बच्चे को मिली बुक, प्रत्येक बच्चे को मिली बुक कितना भाई, तो जितना बच्चे हैं उसके कितना आठवां भाग, तो एक बच्चे को कितना बुक मिली, इतना बुक, तो टोटल बुक निकालेंगे। यहाँ से टोटल बुक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x बच्चे हैं और कितना बुक है, एक बटा ना कितना बुक, x स्क्वायर बटा कितना, टोटल बुक निकल गया यहाँ से x स्क्वायर बटा कितना 8। अब क्वेश्चन कह रहा था कि प्रत्येक बच्चे को, कह रहा है कि यदि बच्चों की संख्या आधी होती, फिर कह रहा था अगेन क्वेश्चन कि बच्चों की संख्या आधी होती, x x बटा 2 बच्चों की आधा है ना, अब ये कितना है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 16 बच्चे इक्वल टू कितना x स्क्वायर बटा कितना 8, 2 से काटेंगे तो कितना है? ये 4, और यहाँ से ये इधर जाएगा तो क्या करेगा, एक कट जाएगा ना x x भाई जाएगा तो घटेगा ना, तो यहाँ से कट दीजिए, कटा दीजिए, x बराबर कितना 64, तो यहाँ से निकल गया आपका कितना x बराबर 64, तो यहाँ से निकल गया 64 अगुना कितना 64 बटा कितना 8, और ठीक है 64 अगुना कर दीजिए 8 × 32 के 2 48 49 50 51, कितना बुक 500 कितना टोटल बुक की संख्या कितना 512। देखिए तो ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर। देखिए 135 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि किसी स्कूल के प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या 24 है, प्रत्येक सेक्शन मैंने एक सेक्शन में 24 विद्यार्थी है, नए विद्यार्थी के नामांकन के बाद 3 सेक्शन और बढ़ा दिया जाता है, शुरू कर दिया जाता है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेक्शन और शुरू किया गया, अब सेक्शन की कुल संख्या 16 है, पहले कितना था x था, तो आज हो गया 16, इसका मतलब कि 3 सेक्शन बढ़ गया तो आज कितना हो गया सेक्शन 16, पहले कितना था 3 घटा दीजिएगा तो पहले 14 सेक्शन था, यहाँ से कल पहले कितना सेक्शन था 13 सेक्शन था, तो वहां से कह रहा है कि अब जो सेक्शन 16 हो गई लो, अब प्रत्येक सेक्शन में 21 विद्यार्थी है, तो यहाँ से कह रहा है कि नया बच्चे नया विद्यार्थियों का नामांकन, तो यहाँ से नया वाला विद्यार्थी, यहाँ से नया वाला विद्यार्थी निकाल देंगे ना, यहाँ से कह रहा है नया वाला विद्यार्थी, यहाँ से नया वाला विद्यार्थी हो विद्यार्थी निकाल देंगे, तो यहाँ से नया वाला विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल पहले कितना मिलता था आज कितना हो रहा है, कह रहे कि 3 सेक्शन बढ़ गया तो आज कितना सेक्शन हो गया 16 सेक्शन, एक सेक्शन में कितना विद्यार्थी 21 विद्यार्थी माइनस, ये अभी का है ना, लेकिन पहले क्या था, पहले 16 सेक्शन नहीं था, पहले कितना था एक सेक्शन था, अब 3 सेक्शन बढ़ा दिया तो 16 सेक्शन, मतलब आज पहले सेक्शन कितना था 16 में से 3 घटा देंगे तो आज कितना सेक्शन हो गया 13 सेक्शन, कैसे भाई, तो आज 16 में से 3 घटा देंगे तो कितना सेक्शन 13 सेक्शन, गुना पहले एक सेक्शन में कितना विद्यार्थी थे 24 विद्यार्थी, तो 24 से पहले वाला में आज वाला में क्या कर देंगे, ये दोनों को गुना करके घटा देंगे तो नए विद्यार्थी कितना था के लिए पता नहीं चल जाएगा, यहाँ से गुना करें 16 × 16 = 6 और 16 × 32 है 33 माइनस कितना 53 × 52 हासिल 5 और 13 × 26 और 26 × 5 कितना 31, यहाँ से घटा दीजिए 4 हो गया, यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ से 0, कितना विद्यार्थी 24 विद्यार्थी ने एक्शन नामांकन लिया है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन कह रहा था कि प्रत्येक किसी बैंक के मैनेजर के ट्रांसफर होने पर फेयरवेल पार्टी के आयोजन किया गया, प्रत्येक पुरुष कर्मचारी उतना ही चंदा दिया, प्रत्येक पुरुष कर्मचारी उतना ही चंदा देता है जितना कि महिला कर्मचारी थी, जितना महिला कर्मचारी है उतना ही एक पुरुष चंदा देता है, तो क्वेश्चन कह रहा था आगे कि जितना महिला कर्मचारी थी तथा प्रत्येक महिला कर्मचारी ने महिला कर्मचारी की संख्या से कितना चंदा देती है, आधा देती है, यदि कुल कर्मचारी 60 थे तथा चंदा टोटल 1600 रुपया इकट्ठा हुआ तो बैंक में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो मान लीजिए पुरुष कर्मचारियों की संख्या
पुरुष कर्मचारियों मान लीजिए कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या x है, यही है ना, पुरुष कर्मचारियों की संख्या x है, यही दिक्कत यही ना था। और बताइए कि यहां से मान लीजिए कि ये पुरुष है, यहां से क्या है, ये पुरुष है, यहां से महिला है, यही ना। अब चलिए महिला कितना, टोटल कितना कर्मचारी है, टोटल 60 के 60 है। पुरुष कर्मचारी अगर x है तो महिला कर्मचारी 60 - 1 हो जाएगी, ये कर्मचारी की संख्या है। एकरा मतलब कि ये कर्मचारी का संख्या है। अब चलिए यहाँ से रुपया का रेशियो चलेगा, रुपया कितना कितना करे कि एक पुरुष को कितना रुपया मिल रहा है, एक पुरुष ने कितना रुपया दे रहा है जितना महिला कर्मचारी है, तो एक पुरुष ने कितना 60 - 1 रुपया दे रहा है। फिर कह रहा था कि महिला कर्मचारी ने कितना रुपया दे रहा था, जितना महिला थी उसके आधा दे रही थी, तो यहाँ से 60 - 1 बटा कितना, यही ना दे रही थी। अब इस चीज को क्या कर दीजिए, दोनों के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से कितना, इन दोनों को गुना करके बराबर कर, दोनों को गुना करके बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से कितना x इंटू 60 - कितना x। अब यहाँ से 60 - x इंटू 60 - x बटा कितना 2, यही ना। देखिए तो ये कट गया, x बराबर कितना हो गया 60 - x, ये 2 इधर भागा में इधर आके क्या करेगा, गुना कर देगा ना, ये इधर आ गया तो क्या करेगा, माइनस x इधर आएगा तो कितना 3x हो जाएगा, यहाँ पे 60 और 3 से काट देंगे तो कितनी 20, x का माने क्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो यहाँ से 20 क्या थे, पुरुष कर्मचारी नहीं थे, x बराबर 20 क्या था, पुरुष कर्मचारी। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को रखते हैं।